एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा में स्थित भोजीपुरा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 3 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 22 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने मनोज कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी एवं 1785 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 301 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल लगभग 250 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 21 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 8 हैंडपंप को रिबोर कराया गया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 40 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 45 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवास का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने 10 सीसी टाइल्स रोड, 4 खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान प्रतिनिधि भोजीपुरा से संतोष कुमारी, और मेरे गांव में 3 सीसी रास्ते, 45 शौचालय, 4 आवास, 40 स्ट्रीट लाइन, 8 हैंडपम्प, रिबो, प्राइमरी स्कूल का मंडल शौचालय है, ये मैंने अपना कंप्लीट करा रखा है गांव में। तो जैसे ग्राम पंचायत में पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, अंतर्दृष्टि स्थल का निर्माण, एक बड़ा नाला, 10 रास्ते, सीसी, 7 रास्ते, खरंजे, 25 आवास, ये मुझे आवश्यकता है। इस चीज़ का लाभ कराया जाए जिससे गांव में हमारे गांव के प्रधान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, गांव का विकास बढ़िया करा रहे हैं।